अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मारूफ साहब भी मज़हर अब्बास साहब मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के नाम आपका पैगाम बलूचिस्तान वाले सुनना चाहते हैं। देखिए, बलूचिस्तान हमारा सूबा है और मुझे खुशी है, यहाँ मैं कराची से पंजाब यूनिवर्सिटी आया, मीडिया कॉन्फ्रेंस में वहाँ हमारे बलूचिस्तान के साथियों से मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है न सिर्फ ये कि हमें जो हमारे बलोच साथी और मेरे तो अच्छे खासे दोस्त हैं बलूचिस्तान में, मेरा पैगाम ज़ाहिर है वहाँ के तालिब इल्मों के लिए यही होगा, वहाँ के नौजवानों के लिए भी यही होगा कि जो ख़ास तौर पे जो लोग सुबह सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं या सहाफ़त में आने में दिलचस्पी रखते हैं, वो पढ़ना ना छोड़ें। और सिर्फ ये नहीं कि आप जो यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, कॉलेज की किताबें वही पढ़ें, बल्कि सियासत भी पढ़ें, सियासी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ें और बलूचिस्तान से बाहर निकल के भी जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जामियात में बलूचिस्तान को कोटा भी मिलना चाहिए। छोटे सूबों का वैसे भी इस्तेसाल हमारे यहाँ होता रहता है, लेकिन अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर दोनों में है। और बलूचिस्तान में बड़े बड़े नामवर सियासतदान गुजरे हैं, मीर गौस बख्श जो है, सरदार अतल्ला मेंगल है, महमूद खान अचदई हैं और भी बेशुमार उनके जो वालिद थे। ये सारे लोग जो हैं बलूचिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र भी रखते थे और बलूचिस्तान की सियासत में बड़ा अहम रोल भी रहा है। तो अगर वो इस मकाम तक पहुँच सकते हैं, और सिर्फ वही नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है प्रोफेसर करार हुसैन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में उनका ताल्लुक कराची से था, लेकिन वो बलूचिस्तान के वाइस चांसलर, और लोग आज भी प्रोफेसर करार हुसैन को याद रखते हैं। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ही रिच सूबा है बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान जिस तरह और बाकी सूबों के बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक बलूचिस्तान के लोगों का। मज़हर अब्बास साहब वो सहाफ़ी है जिन्होंने हम बलूचिस्तान की आवाज़ नेशनल मीडिया पे उठाई है, तो हम बलूचिस्तान वालों को भी मीडिया के शोबे में आना चाहिए ताकि हमारी भी ऐसे साफ़ी हो, मज़हर अब्बास जैसे साफ़ी पैदा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।